अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप इलेक्ट्रो स्क्वाड, इट्स योर बॉय मिस्टर इलेक्ट्रो इन द हाउस। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पुलिस स्कॉलरशिप एडिशन। तो जैसा कि लास्ट गेम प्ले वीडियो से आप सभी लोगों को याद ही होगा कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर 3, जिसका नाम था भाई रिच किड डूज। उसके अंदर हम लोगों ने फाइट करी थी भाई रिच किड से, जो स्कूल के रिच किड्स होते हैं ना भाई, यूनिफॉर्म ब्लू कलर की यूनिफॉर्म वाले किड्स भाई, वो लोग, उन लोगों से हमने फाइट करी थी। उनको उनके घर पे जाके उनके अंडे मारे थे उनके घर पे, उन लोगों के बॉक्सिंग क्लब में जाके उनके 6 बड़े फाइटर को हमने बॉक्सिंग गेम के अंदर बॉक्सिंग चैलेंज में हराया था, और उन्होंने हमें रिवॉर्ड देने से मना कर दिया था। उसके बावजूद हमने उनके बहुत सारे काम करे, साइकिल रेस करी, और लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, हमें एक जगह बुला के बहुत ही गंदी तरीके से पीटा। सारे लड़कों ने एक साथ हमें पीटा, फिर भी हम लोगों ने उनके सबसे मेन लड़के यानी बॉस को बहुत ही गंदे तरीके से पीट दिया। और साथ ही साथ भाई रसल भी हमारे साथ उस फाइट के अंदर शामिल था। और उसके बाद गाइस मुझे कॉल आया, इंफॉर्मेशन मिली कि सर जिम की टीचर, जिम क्लास के जो टीचर है भाई मोटे से, वो सर हमें याद कर रहे हैं किसी काम के लिए। तो उनके पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि मुझे गर्ल्स डॉर्म से कुछ क्लोथ लाने होंगे उनके लिए। तो मैं फटाफट से रात के अंधेरे में निकल गया गर्ल्स डॉर्म के बैकयार्ड पे, वहां से मैं स्टेयर्स पर चढ़ के फटाफट से गर्ल्स डॉर्म के अंदर पहुंचा, और बिना किसी झंझट के, बिना किसी देरी के, जल्दी सी मैं क्लोथ निकाल के लिए आया बहुत सारे के सारे सर के पास। और उस टाइम हमारा चैप्टर 2 वो हो चुका था वहाँ पर कंप्लीट, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर 3। और वैसे तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन हमने कोई इसका टास्क नहीं किया, तो अभी फटाफट से चैप्टर 3 की आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले अपना चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ भाई लास्ट गेम वीडियो में हमारी न्यू दोस्त भी बन गई थी, जिसको हमने अम्यूजमेंट पार्क घुमाया, कुछ गेम्स खेले और टिकट जीत के उसको टेडी बेयर की भी गिफ्ट किया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट गेम वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पिन है, फटाफट से देखकर आ जाओ, सच्ची में गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब भी सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट में अपने फेवरेट गेम के नाम जरूर से बता देना। तो अब भी फिलहाल फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, तो बिना किसी इंतजार के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स किक ऑफ, लेट्स गो गाइस। अब भी फिलहाल मेरी इस कैंटीन वाली मिसेस एडना से बात हो चुकी है, और ये कह रही है कि भाई इसकी ना मिसेस मिस्टर वॉल्ट के साथ ना कहीं रेस्टोरेंट इसको जाना है। तो अभी फिलहाल ये तैयार होकर खड़ी हुई है, बस इसको परफ्यूम और कुछ चीज़ें चाहिए, परफ्यूम और चीज़ें चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरी क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो प्रीफेक्ट भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ भाई छुपके से, बिल्कुल गेट द टीचर द वे प्रॉब्लम स्टाफ रूम। ओके, हम लोग को स्टाफ रूम से ना मिसेस फिलिप्स का परफ्यूम ला के देना है इसको, और कुछ और भी आइटम्स हैं। ओ भाई साहब, इन्होंने अगर मुझे आके पकड़ लिया ना तो मसला हो जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल ना मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर फायर अलार्म ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि अभी फायर अलार्म यहाँ पर मैंने बचा दिया ना तो टीचर्स यहाँ से भाग जाएंगे। तो अभी किसी तरीके से मुझे यहाँ पर फायर अलार्म ढूंढना पड़ेगा, तो फटाफट से फायर अलार्म ढूंढ लेते हैं और उसको बचा देते हैं। जैसे ही फायर अलार्म बजेगा भाई ये लोग यहाँ से ना भागने शुरू हो जाएंगे। ओके, फायर अलार्म ये रहा, इसको यहाँ पर बजा देते ताकि ये लोग ना भाग जाएं यहाँ से, ये जो सर खड़े हैं। ओके, ये लोग यहाँ से अपना निकल चुके हैं, और फटाफट से अब हम लोग चलते हैं स्टाफ रूम के अंदर, और वहाँ से मिसेस एडना का परफ्यूम, ओके मिसेस फिलिप्स का परफ्यूम निकाल के लाते हैं और उसे देते हैं मिसेस एडना को जाके। तो अभी दो आइटम्स कलेक्ट कर लिए, फर्स्ट आइटम तो चॉकलेट था जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी मेरे पीछे एक प्रीफेक्ट सर पड़ गए हैं, क्योंकि अभी उसने मुझे स्टाफ रूम से निकलते हुए देख लिया है, सो मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा अभी। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं बाहर निकल चुका हूँ, फटाफट से अपनी स्केटबोर्ड पर मस्त से स्केटबोर्ड भगाते हुए थर्ड आइटम की तरफ चलते हैं, गेट सम सेडेटिव्स। ओके गाइस, अब हमें सेडेटिव्स लेने के लिए सिटी में जाना होगा स्कूल से बाहर। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं अपनी साइकिल वगैरह खड़ी होगी, तो साइकिल पर ही चलते हैं, पर मुझे नहीं लगता साइकिल यहाँ पर कोई खड़ी होगी। गाइस गारबेज के कैंस को हमें, ओके प्रिस्क्रिप्शन बॉटल, ओके प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आई डोंट प्रोनाउंसिएट, बट अभी फिलहाल हमें वो बॉटल मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, और फटाफट से भाई अपनी साइकिल पर वापस से बैठते हैं। यहाँ पर हमने कचरे के डिब्बे से वो बॉटल निकाली है, पता नहीं कोई अजीब सी बॉटल है, उसको फटाफट से लेके चलते हैं, क्योंकि
आपको पता है लास्ट कैमरे वीडियो से कि मिसेज एडना किस तरह का खाना बनाती है भाई। ओके ही मैंने गलती से एक सिटीजन को थोक दिया है, इसकी वजह से भाई अब पुलिस मेरे पीछे आएगी। इससे पहले कि भाई पुलिस वाला मुझे पकड़े, मैं बड़ा वक्त से अपने स्कूल के अंदर जाता हूँ और इस आइटम्स को मिसेज एडना के पास बड़ा वक्त से पहुँचा देता हूँ। ओके ही हमारा स्कूल का गेट ये रहा, ये पुलिस वाले स्कूल के अंदर भी आ सकता है। ओके ही इससे पहले ये मुझे पकड़े भाई मैं चला जाता हूँ। ओ ओके भाग 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 स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर। ओके ही मिसेज एडना को तो फटाफट से दे देते हैं ताकि ये वॉयलेंस का बेटर जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाए। यहाँ से लेफ्ट मर चलते हैं और फटाफट से कैंटीन के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि अगर हमारी मिसेज एडना से बात हुई तो जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा तो ये वॉयलेंस मीटर खत्म हो जाएगा। ओके ही ओ भाई साहब कितनी बुरी लग रही है भाई ये। Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Where's the perfume? Okay, हम लोग परफ्यूम और चॉकलेट्स और वो जो प्रिस्क्रिप्शन पता नहीं कौन सी बॉटल थी भाई, वो गंदी सी जो गार्बेज के अंदर से निकाली थी हमने, वो निकाल के इसको दे दी है और अभी यह फिलहाल अपनी अपनी बात कर रही है। फिलहाल अभी मेरा मिशन पास हो चुका है और इस छोटे से मिशन के भाई हमें $40 मिले हैं। $40 गाइस। फिलहाल आप ये बताओ गाइस जिम्मी की अभी क्लोथिंग कैसी लग रही है? काफ़ी ज़्यादा मस्त कपड़े पहना दिए भाई मैंने इसको और फटाफट से अब अपने नए टास्क की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है बॉल्स ऑफ स्नो। तो फटाफट से बिना किसी इंतजार के जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो गाइस। अब भी मैंने अपना नया टास्क स्टार्ट कर लिया है और मेरी भाई बात हो चुकी है इस क्रिसमस भाई इस सेंटा क्लॉज जैसे बंदे से जो कि अल्कोहल पी रहा था साइड में फुटपाथ पे। तो अभी फिलहाल बड़ा वक्त से इसने मुझे बोला है कि मुझे इन लैडर से क्लाइम करके ऊपर जाना है और कुछ लोग भाई ये एक साल से यहाँ पर फुटपाथ पे भीख मांग रहा है। तो कब से इसको भीख मांगते हुए ना ये इसका नाम रूडी है और टाउन वाले जो है ना इसको परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर बैठने नहीं दे रहे, कह रहे हैं मैं पिछले एक साल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ लेकिन ये टाउन वाले मुझे यहाँ पर सही से बैठने नहीं दे रहे हैं। अब नए टाउन में नए बंदे आ चुके हैं जो मुझे सही से बैठने नहीं दे रहे और अब भी फिलहाल उनमें से 10 को हमें ठोकना है जो कि यहाँ पर स्ट्रीट पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल उनमें से 10 को हम लोग ठोकेंगे इन स्नोबॉल से। भाई बर्फ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और ये साइकिल वाला एक जा रहा है इसको भी यहाँ पर ठोक देते हैं, वो भी निकल चुका है वहाँ से। उसके बाद वहाँ से एक बंदा आ रहा है भाई, ओके यहाँ से एक बंदा जा रहा है इसको भी ठोक देते हैं यहाँ पार बॉल से, पार बॉल नहीं ओके स्नो बॉल सॉरी। ओके गाइस हमने 7 बंदों को ठोक दिया है, 7 बंदों को स्नो बॉल मार दिया है। ओके 8वां हो गया और 9वां भी हो गया और 10वां ओ गाइस थोड़ा सा बच गया गाइस। अभी और बंदे शायद से आने वाले हैं। ओके ये बंदा वापस घूम बैठे हैं, घूम के आ चुका है। ओके गाइस पूरे 10 बंदे हमने यहाँ पर स्नो बॉल से लपेट डाले हैं और अब बात हो रही है भाई हमारी इस सेंटा क्लॉज जैसे बंदे से। ओके इसने अभी अल्कोहल पी रखी है तो इसलिए इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स गो गाइस इसको स्किप करते हैं फटाफट से और अब भी हमारा मिशन ये वाला पास हो चुका है और अब भी हमारे को नए कपड़े खुले हैं लेकिन अब भी फिलहाल आज के एपिसोड के लिए ये वाली गेटिंग हमारी बेस्ट है। तो फटाफट से अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करने चलते हैं जो कि होने वाला है भाई कुक स्टेट या फिर बीट किलर जो करीब में होगा भाई उसको फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अब भी फिलहाल मेरी साइकिल इधर ही कहीं होनी चाहिए थी जो कि मैंने यहाँ पर पार्क कर दी। ओके ये रही वो मस्ती साइकिल जो मैंने भाई पैसे जमा करके खरीदी थी और ये इतनी तेज भागती है, सबसे तेज साइकिल है पूरी बुली स्कॉलरशिप एडिशन के गेम की। तो फटाफट से अब भी फिलहाल नए टास्क के लिए चलते हैं जो कि पता नहीं बीट किलर या जो करीब में होगा भाई उसको स्टार्ट कर लेंगे फटाफट से। तो बिना किसी इंतजार के चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो गाइस। अब भी मैं फटाफट से मस्त सा भाई टाउन को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करने के लिए आ गया हूँ। तो फटाफट से जो भी बंदा इधर आएगा भाई उससे बात कर लेते हैं और देखते हैं भाई आगे का क्या सीन होने वाला है। लेट्स गो गाइस अभी फिलहाल मेरे दोबारा इस जर्सी से सेंटा क्लॉज से बात हो चुकी है और अभी फिलहाल मुझे एक नई जगह पर जाना है टाइम खत्म होने से पहले। टाइम भी बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय द स्नोमैन। ओके गाइस यहाँ पर लोग है ना, अभी एक मिनट साइकिल पार्क कर लेते हैं उसके बाद उतरते हैं साइकिल से। ओके गाइस अभी ना यहाँ पर हमें
ओके मुझे बच्चों को नहीं मारना और सेंटा क्लॉस ये ले मैं बच्चों को मार रहा हूँ भाई मुझे यहाँ पर नहीं चीज़ें तोड़नी है डिस्ट्रॉय दी कैंडल्स ओके यहाँ पर फटाफट से कैंडल तोड़ लेते हैं ओके बल्ला ही टूट गया लेकिन कोई बात नहीं हम लोग अपने हाथों से टूटेंगे ओ भाई सर सर सॉरी सर नो ओके गाइस यहाँ पर इसने मुझे बस्टेड कर दिया है अभी फटाफट से दोबारा से चलते हैं वाला टास्क स्टार्ट करने के लिए और सारी कैंडल्स को फोड़ते हैं इन सिटीजन्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई गलती से धक्का लग गया था आई एम सॉरी मैंने अपोलोजाइज किया था फिर भी इन लोगों ने पुलिस वालों को बुला लिया छोड़ूंगा नहीं इनको अभी फटाफट से चलते हैं गाइस टास्क दोबारा से करने के लिए लेट्स गो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इन जगहों को दोबारा से डिस्ट्रॉय करने के लिए और ध्यान रहे इस दफा मैं किसी बच्चे को ना मारूं भाई क्योंकि यहाँ पर वैंडलिज्म का केस भी हो सकता है मेरे ऊपर ओ सॉरी 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 थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर से आते हैं क्योंकि बच्चे ना मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार आके गाइस ओके अब हमें यहाँ पर इन गिफ्ट को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा सेंटा क्लॉस है ना आ चुका है वो बुड्ढा बोलता है कि मैं सेंटा क्लॉस हूँ और कोई नया सेंटा क्लॉस आया भाई टाउन के अंदर जो कि ये बुड्ढा है भाई हमें उस बुड्ढे को सेंटा क्लॉस बनाना है इस वाले को नहीं तो फटाफट से अब भी दूसरी चीज़ डिस्ट्रॉय करने चलते हैं याद रहे हमें बच्चों को नहीं मारना वरना पुलिस वाला फिर से आ जाएगा गाइस ओके यहाँ पर कैंडी केन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया डिस्ट्रॉय द कैसल ओके फटाफट से कैसल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं थॉट में फायर करके इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि कैसल टूट जाए एक मिनट आप अपने उस पर जाते हैं और ये मैं बच्चे तुझे बजा दूंगा मैं ओके एक मिनट सॉरी आई एम सॉरी ये ओके ये और ये वाला कैसल अब बच्चों नहीं करो बच्चों तुम लोगों को मारूंगा मैं फटाफट से कैसल को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं गाइस ये मुझे बच्चे ने डिस्ट्रॉय नहीं करने दे रहे ओके अब मुझे सिलिंग शॉट से ही मारना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी आसानी से ना ये कैसल टूटने वाला नहीं है ओके अब एल्फ कॉस्ट्यूम हमारा अनलॉक हो चुका है पर एल्फ बोने का कॉस्ट्यूम क्यों पहनेंगे हम लोग तो गाइस अब भी फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ क्योंकि गाइस कर्फ्यू लग चुका है बाहर और अब भी फटाफट से सोने के लिए चलते हैं क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है गाइस और कर्फ्यू में पुलिस वाले भी हमें पकड़ के ना बहुत गंदा धोएंगे तो फटाफट से बस स्टॉप ढूंढते हैं और फटाफट से अपने स्कूल पे चलते हैं गाइस ओके बस स्टॉप यहाँ पर ही है फटाफट से अपनी बस स्टॉप पे चलते हैं साइकिल को यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि साइकिल हमें नियरली गैराजेस से मिल सकती है ईजीली तो अपनी फटाफट से चल के चलते हैं सोने और उसके बाद बाकी टास्क जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग को करेंगे गुड मॉर्निंग गाइस अपनी सुबह हो चुकी है और मैं जाने वाला हूँ अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ तो फटाफट से चलते हैं भाई लेट्स गो बाय द वे यहाँ पर गाइस ये सर है ना भाई इस बच्चे को डांट रहे हैं किसी वजह से बाय द वे तू बता एज का गेम होने के बाद भी गाइस इसके ग्राफिक्स बहुत तेज हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं स्कूल के अंदर बिकॉज एक ही टास्क अवेलेबल है जो कि है क्रिसमस इज हियर तो फटाफट से स्कूल के अंदर चलते हैं गाइस लेट्स गो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ स्कूल के अंदर और बाय द वे ये एरो जो ब्लू एरो आप देख पा रहे हो ये एरेंट्स करने के लिए हैं अभी फिलहाल एक ही टास्क अवेलेबल है जो कि क्रिसमस इज हियर है और गाइस ये प्रिंसिपल के ऑफिस में शायद प्रिंसिपल हमसे अपना टास्क करवाने वाला है बाय द वे यहाँ पर हेलो मिस ओके ओ देयर यू जिमी आई विल मेक दिस क्वाइट योर मॉम हैज सेट यू अ क्रिसमस गिफ्ट जस्ट वेट आई नो यू आर वेरी लकी योर मॉम इज सो नाइस यू मे गो नाउ अब नाइस नहीं है हमारी मॉम सबसे बदतमीज़ है बेकार है बाय द वे उसने हमें एक बढ़िया सा रेनडियर का स्वेटर भेजा है लेकिन ये मेरी पैंट के साथ मैच नहीं कर रहा फिलहाल अब भी इसको पहन के मुझे एक नया टास्क करना है तो अभी फटाफट से नीचे चलते हैं और टास्क करते हैं नट क्रैकिंग जैसे वो नीचे ही होगा गाइस यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल अब भी फटाफट से चलते हैं गाइस नट क्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए हैं लेट्स गो अभी यहाँ पर कैफेटेरिया से हम लोग राइट ले लेते हैं बाय द वे उस तरफ है यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना नट क्रैकिंग का टास्क और फटाफट से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है गाइस और बच्चे तू क्या कर रहा है यहाँ पे निकल यहाँ से मैं इतना टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ तो फटाफट से अपना टास्क स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स गो ऑडिटोरियम में गाइस एक दफ़ा मेरे पास सीन हो गया था लेट्स गो गाइस अब भी फिलहाल यहाँ पर अपनी म्यूजिक क्लास वाली टीचर यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ कर रही है भाई ओके उस म्यूजिक क्लास की टीचर ने भाई मुझे एक
यार ये क्या कपड़े पहने हुए भाई, क्रिसमस इज हियर। ओ भाई साहब मुझे पुतला बना के खड़ा कर दिया और अजीब से कपड़े पहना दिए भाई, ये तो गलत बात है यार। और अब भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर ज़ाइलोफोन बजाना है और मेरे बराबर में एक और लड़का है वो ड्रम बजा रहा है। ओके थोड़ा सा गलत हो रहा है, अब सही करते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे अभी ड्रम बजाना है, भाई साहब ये गलत बात है, मुझे ज़ाइलोफोन बजाने के लिए खड़ा कर दिया और पीछे और भी बच्चे गाइस डांस कर रहे हैं, तो फटाफट से इस टास्क को कम्प्लीट करते हैं। लेट्स गो गाइस, अब भी मैंने 92% टास्क कम्प्लीट कर लिया है और मेरा ये वाला मिशन पास्ट हो चुका है। मैं ज़ाइलोफोन बजाने में कामयाब हो गया, लेकिन म्यूजिक टीचर से ये उम्मीद रही थी मुझे इतने गंदे कपड़े पहना के भाई खड़ा करेगी। नट क्रैकर आउटफिट अवेलेबल, बाय द वे अब हम फटाफट से चलते हैं अपना नेक्स्ट टास्क करने के लिए, कोई अवेलेबल नहीं है, एक ही चैलेंज है नट चैलेंज। तो फटाफट से डेस्टिनेशन सेट करते हैं और फटाफट से चलते हैं भाई हम लोग अपनी साइकिल भगाते हुए। ओके यहाँ पर ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, लेट्स गो। अब भी यहाँ पर मैंने साइड से साइकिल खड़ी हुई है और अभी फटाफट से चलते हैं भाई नट चैलेंज करने के लिए। लेट्स गो, जल्दी भागो। यहाँ पर मैं पहले बॉयज डॉर्म में जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अपने नट चैलेंज के लिए फटाफट से। लेट्स गो गाइस, अब भी हम लोग पहुँच चुके हैं अपना नट चैलेंज करने के लिए। यहाँ पर कुछ बच्चे भाई खड़े हुए हैं और इनमें से ये तो सारे हमारे दोस्त हैं भाई। यहाँ पर मुझे सिर्फ अर्नेस्ट नजर नहीं आ रहा, बाकी सब यहाँ पर ही हैं। ओके यहाँ पर ही उनसे बात कर रहे हैं। द कैन थर्टीज ऑन सुमो इज हियर, व्हाई नॉट आई कैन ऑलवेज दिस प्लेस टू डैश। ओके गाइस यहाँ पर हम लोगों को बी फैटीज कॉन्सूमो हाई स्कोर ऑफ 1010। ओके लेट्स गो, फटाफट से इस कॉन्सूमो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द वे इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अभी कॉन्सूमो खेलना ही पड़ेगा। लेट्स गो फटाफट से अभी खेल देते हैं कॉन्सूमो। भाई जिमी का मूड नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है खेलने का, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुझे देख रहे हैं, अभी मुझे खेलना ही पड़ेगा ये कॉन्सूमो। तो अब भी इसमें डालते हैं हम लोग पॉइंट और अब भी इस कॉन्सूमो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके यहाँ पर मैंने ये गेम कॉन्सूमो स्टार्ट कर लिया है और अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा मुझे खाना खाना है गाइस। जो रोटन फ्रूट्स हैं ना, रोटन फूड्स हैं वो मुझे नहीं खाने हैं, और जो हेल्दी फूड्स हैं, ओ भाई साहब पफर फिश लगी और मैं मर गया। ओके गाइस ये पफर फिश जो है ना ये मुझे मार देगी, मेरे पास टोटल 3 लाइव्स हैं। और ये सुमो रेसलर जो घूम रहे हैं रेड शॉर्ट्स में भाई, ये मुझे धक्का लगा के पफर फिश के पास फेंक देंगे ताकि मेरी लाइफ मर जाए। और बाय द भाई साहब दूसरी लाइफ भी चली गई, मुझे टोटल 1010 LBs के स्कोर को बीट करना है जो कि फैटी है। अभी फ़िलहाल मेरा स्कोर तो भाई बहुत ही कम हुआ है, अभी फ़िलहाल मैं इसको एग्जिट करता हूँ। नहीं एग्जिट करने का मूड तो नहीं हो रहा और दोबारा से आता हूँ क्योंकि मेरी 2 लाइफ तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पर है ना ज़ाया हो चुकी हैं। तो मैं फटाफट से अभी दोबारा इस फैटी के कॉन्सूमो को बीट करने वाला हूँ, लेट्स गो। तो गाइस सीन ये है कि मैंने फैटी के 1010 LBs के स्कोर को तोड़ दिया है और मैंने सिर्फ 1 लाइफ गवाई थी, अभी ये दूसरी लाइफ भी चली गई थी मेरी। और अब भी मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ भाई साहब, मेरे रेसलर देख पा रहे हो आप लोग कितना स्लो है, पहले कितना फास्ट था जब कम LBs थे। तो अब भी मैं खाना खा रहा हूँ, बाय द वे मैं इसको ऐसे ही खेल रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं मर जाता हूँ पफर फिश के बाद। पफर फिश के पास जाके ये मुझे देखो आप सुमो रेसलर ये कैसा धक्का मार रहे हैं, ये इसी तरीके से आप लोगों को धक्का मारते हैं और आप लोगों को फिर रोटेन फूड्स या पफर फिश के पास भेज देते हैं। तो मैंने अभी अपना गेम ओवर कर दिया है क्योंकि मुझे आगे ज़्यादा फर्दर स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फैटी का स्कोर बीट करके 1209 LBs सिर्फ और सिर्फ 1 लाइफ गवा के किया था भाई साहब। अभी फटाफट से इस गेम को एग्जिट करते हैं और फैटी को बताते हैं कि हमने तुम्हारा स्कोर बीट कर दिया है कौन सुमो में, फटाफट से हमें हमारा रिवार्ड दे दो। ओके गाइस इसने बहुत ही तगड़ी गन निकाली है भाई साहब अपने जेब से, यू आर द नट क्लब हाउस। ओके गाइस हमारे पास अपना नया क्लब हाउस ओपन हो चुका है और बॉटल रॉकेट लॉन्चर भी अवेलेबल हो चुकी है भाई साहब हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कभी कभी हमारे पास बड़े दुश्मन आते हैं तो हम इस बॉकेट लॉन्चर का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल गाइस फटाफट से अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करने के लिए चल लेते हैं। और अभी तो भाई साहब 12 o'clock हुए हैं, बाय द वे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहाँ पर अपना सेव गेम कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजेट भी है और यहाँ पर अंदर की तरफ कमरा भी है। तो अभी अपना नया टास्क स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो गाइस। अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्ट कर लिया है भाई अपना नेक्स्ट टास्क करने के लिए, पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर
और इसको स्टार्ट कर लेता हूँ फटाफट से। लेट्स गो गाइस। अभी मैंने उस अल्कोहल वाले का अल्कोहल सेंटा क्लॉज उसका नाम मैंने रख दिया इसका। ये भाई ये सामने खड़ा हुआ अल्को सेंटा क्लॉज, ये चर्सी भाई सेंटा क्लॉज है। ये बैठ के अल्कोहल पी रहा होता, बच्चों को भी अल्कोहल की ऑफर करता, पर हम नहीं पी रहे। अभी इसने मुझे 5 आइटम्स कलेक्ट करने को बोले हैं, मीन्स 5 गार्बेजेस से मुझे आइटम्स कलेक्ट करने हैं, बेकार से आइटम्स। तो यहाँ पर मैंने पहला पैकेज कलेक्ट कर लिया है और अभी दूसरा पैकेज जल्दी से कलेक्ट करने चलते हैं। लेट्स गो, यहाँ पर ही करीब में ही है। बाय द वे मुझे ये जंक कलेक्ट करना है भाई, गार्बेज से मुझे जंक कलेक्ट करना है, बिकॉज इसके पास इतना पैसा तो नहीं है कि ये सेंटा क्लॉज बने और उसका इंतजाम वगैरह करें, जैसे क्रिसमस ट्री वगैरह हो जाती हैं वैसे इंतजाम कर सके। इसके बाद इतना पैसा नहीं है उन चीज़ों के इंतजाम करने की, इसलिए ये भाई जंक यार से। बाय द वे ये क्या है, ये डॉग मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई, काट रहा है मुझे, आगे निकल। ओके, अभी यहाँ पर एक और गार्बेज कैन है, ट्रैश कैन है, इससे हम लोग वो जंक कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो, 3 जंक पीसेस कलेक्ट हो चुके हैं। और ये बच्चे ना मुझे मारने आ गए, लास्ट टाइम मैंने इनकी ट्री तोड़ी थी भाई अभी कुछ देर पहले, तो ये भाई साहब बच्चे मुझे मारने आ गए, इनको पता है मैं दुश्मन हूँ, क्रिसमस बिगाड़ रहा हूँ उन लोगों की। तो अभी 14 पैकेट मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है और ये डॉग मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इसको भी किसी दिन धोएंगे, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास। गार्बेज कैन से फटाफट से यहाँ पर ये जंक कलेक्ट कर लेते हैं और अब इस ट्रैश को लेके चलते हैं सेंटा के पास। लेट्स गो, फटाफट से अपनी बाइक भगाते हैं। बाय द वे ये तेज बाइक नहीं है, तेज बाइक तो भाई माउंटेन वाली बाइक है जो कि मैंने अभी परचेज नहीं करी है। मुझे लग रहा था सबसे तगड़ी बाइक यही है, पर सबसे तगड़ी बाइक माउंटेन वाली थी जो कि मैंने अभी तक परचेज नहीं करी, जो सबसे नंबर 1 पर है। मैंने गलती से मिस्टेकनली ये वाली बाइक परचेज कर ली, पर अभी यहाँ पर पिछली वाली गली में ही है वो सेंटा और ये बच्चा है ना, मुझे बच्चे को मारने का दिल नहीं कर रहा, इसके पेरेंट्स और पुलिस वाले आ जाते हैं वहीं मुझे पकड़ने। तो अब भी गाइस सेंटा को बात कर लेते हैं और सेंटा से बोलते हैं कि हम तुम्हारा चंक पीसेस ले आए सारे के सारे। ओके, हियर यू ऑल चंक आई कुड बाय। ओके, लेट्स गो। अब भी फिलहाल गाइस इसने हमें बोला है कि अब इसकी बच्चों के साथ स्माइलिंग वाली पिक्चर लेनी है, तो फटाफट से स्माइलिंग वाली पिक्चर ले लेते हैं। ओके, टेक पिक्चर्स व्हेन द किड्स आर बिहेविंग। ओके, लेट्स गो। अभी फिलहाल फटाफट से हम लोग ले लेते हैं इनकी स्माइल करते हुए पिक्चर, कि सेंटा के साथ बैठे हुए हों और स्माइल कर रहे हों, तो पिक्चर्स फटाफट से ले लेते हैं गाइस। तो गाइस सीन ये है, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों की सेंटा क्लॉज के साथ पिक्चर ले लिया है स्माइल करते हुए, बस ये एक आखिरी बच्चा बचा है, इसके साथ मैं ज़रा पिक्चर ले लूँ। ओके, ये स्माइल करेगा। ओके, नाइस फोटो ले चुका हूँ मैं, और अब इस बच्चे को जाने के लिए बोल देते हैं। फिलहाल हमने अभी काफ़ी सारी फोटोज़ ले ली हैं, सेंटा को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और अब ये नाच रहे हैं पागल लोग ज़रा भाई। इसने बच्चों के साथ पिक्चर भी खिंचवा ली और अब हमारा मिशन पास हो चुका है। और अभी लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि होने वाला है जेलस जॉनी कुक स्टेज या फिर कॉमिक कैलेप्टो। तो लेट्स गो गाइस, अभी सीन ये है कि हम इस कैलेप्टो चोर को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये कॉमिक बुक शॉप से भाई कॉमिक चुरा के भागा है, और उस बुक शॉप के ओनर ने हमें एक छोटा सा काम दिया है कि हमें इससे वो मज़ेदार सी कॉमिक छीन के वापस लानी है इससे पहले कि ये स्कूल पहुंचे, क्योंकि गाइस हमें इस तरह के छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम बुलवर्ड टाउन के एक लीडर बनना चाहते हैं, और एक ऐसे लीडर जिसकी लोग इज्जत करें, ना कि सिर्फ उससे डर के मारे इज्जत करें, बल्कि दिल से रिस्पेक्ट करके उसको अपना दोस्त माने और उसको एज अ ट्रू लीडर माने। तो हम लोग ऐसे ही लीडर बनना चाहते हैं, तो इसलिए हमें छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि लीडर की शुरुआत भाई ऐसे ही होती है, छोटे मोटे काम करके हम लोग इसको पकड़ेंगे, छोटे मोटे काम करके भाई हम लोग लोगों का दिल जीतेंगे। और अभी इसको पकड़ के भाई इससे वो कॉमिक छीनते हैं और फटाफट से भाई इसको यहाँ पर मुक्के बजाते हैं, साइकिल में बैठे बैठे इसको मुक्के बजाने पड़ेंगे, वरना ये भाई सब स्कूल पहुँच गया ना तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में भाई हमारा भरम तो चलता है, लेकिन मिशन की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें इसको स्कूल पहुँचने से पहले पहले इससे वो कॉमिक बुक छीननी है। तो अभी मैं अपनी साइकिल पका रहा हूँ, बाय द वे मेरी साइकिल इससे स्लो है, क्योंकि गाइस मैंने गलती से एक ऐसी साइकिल खरीद ली है जो कि सेकेंड नंबर पर है। फिलहाल अभी मैं नई साइकिल आगे ज़रूर से ख़रीदूंगा, जिसका नाम है भाई माउंटेन बाइक, वो सबसे तेज़ बाइक है और वो स्लिपरी जगहों पे जैसे ऐसी स्नो सरफेस है इस पर काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी हैंडल होती है और उसकी हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो नॉर्मल सरफेसेस पे इस बाइक से स्लो है, लेकिन अच्छे रफ सरफेसेस पे भाई उसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी फिलहाल बाद में तो उस बाइक को मैं खरीदूंगा, लेकिन अभी इस कैलेप्टो की एचपी मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हो कैलेप्टो नेम से हेल्थ आ रही है, और अभी इसको 2-3 मुक्के और बच जाए तो ये भाई ज़रूर से अपनी बाइक से गिर जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर स्नो सरफेस है और ये मेरे एक क्लब हाउस के पास आ गया है, जो कि
CVU के बिल्कुल सामने। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर गिरा दिया है और अब मैं इसकी कॉमिक यहाँ से उठाने वाला हूँ जो कि चोरी करके भागा था। और अब गाइस फटाफट से चलते हैं हम लोग कॉमिक शॉप के ओनर के पास। लेट्स गो गाइस। अब भी मैंने इसको ये कॉमिक लौटा दिए और बदले में भाई इससे थोड़े से पैसे ले लिए हैं, क्योंकि भाई पैसे के लिए हम लोग काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों की पढ़ाई के लिए भी काम करते हैं। हम लोग बुर्जवर टाउन के और पूरे स्कूल के एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं जो कि गाइस एक बहुत ही ट्रू सच्चा लीडर हो, जिसको दिल से लोग अपना लीडर माने। फिलहाल अभी गाइस रात हो चुकी है और मुझे जाना होगा सोने, क्योंकि 2 बजे गाइस जीनी गाइस ने नींद से नींद आने पर 2 बजे इसको भाई नींद आ जाती है फुल, और ये 2 बजे बिल्कुल पास आउट हो जाता है और ये गिर जाता है। तो अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग सोने, गेम वगैरह सेव करते हैं। यहाँ पर वो गेम है भाई जिसको हमने जीता था, लेकिन अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं हम लोग सोने के लिए, ताकि आप लोगों से मिलते हैं गाइस सुबह। अभी भीम को लाख भी लेते हैं और यहाँ पर अपना गेमिंग सेटअप वगैरह रखा हुआ है। अभी फटाफट से चलते हैं सोने और नेक्स्ट टास्क भाई हम लोग सुबह अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स गो गाइस। अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर आप गेमिंग सेटअप देख पा रहे हो मेरा। मैं थोड़ा बहुत गेम वेम खेल रहा था और लैपटॉप वगैरह चला रहा था। बाकी अभी मेरे पास कॉल आ चुकी है नेक्स्ट टास्क करने के लिए, तो अभी जल्द से जल्द निकलते हैं हम लोग इस क्लब हाउस से बाहर। और भाई साहब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको हमने एंट्री अलाउ करी हुई इधर कि आप लोग आ सकते हो, खेल सकते हो यहाँ पर गेम्स वगैरह। और अभी हम लोग गाइस बाहर आ चुके हैं और नेक्स्ट टास्क है हमारा जेलस जॉनी। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग न्यू कोवेंट्री पे। लेट्स गो गाइस। अभी मैंने स्टार्ट कर लिया अपना नेक्स्ट टास्क और मेरी जॉनी से बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड भाई किसी गॉड नामी रिच किड के साथ फिर रही है। भाई वो रिच किड ब्लूज गैंग का ही एक बंदा है गॉड, उसके साथ भाई वो रेस्टोरेंट वगैरह में फिर रही है। और जॉनी को ये जेलसी हो रही है कि उसकी गर्लफ्रेंड भाई वहाँ पर क्यों फिर रही है उसके साथ। तो अभी हमें प्रूव करना है जॉनी को कि उसकी गर्लफ्रेंड भाई गॉड के साथ ही फिर रही है, तो हमें उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी है। कैमरा हमारे हाथ में है, पकड़ लिया मैंने कैमरा और फटाफट से भाई अभी ये लोग इधर सामने खड़े हैं, पर ओके मुझे फ्लावर्स लेते हुए इनकी फोटोज वगैरह खींचनी है। और अब भी ये लोग मुझे देख ना पाए क्योंकि वो लड़की मुझे पहचान जाएगी। ये वो ही लड़की है जो लास्ट गेम प्ले वीडियो में हमें मूवी थिएटर के पास मिली थी और हम जिसको लेकर गए थे अम्यूजमेंट पार्क, ये वो ही लड़की है। तो अभी इसको मुझे अब देखना नहीं देना है कि ये मुझे पहचान लेगी और गॉड भी मुझे पहचान लेगा, क्योंकि मैंने इसके रिच किड ब्लूज को भी लास्ट एपिसोड से आप लोगों को याद होगा पीटा था। तो अभी चुपचाप से हम लोग इनकी फोटोज़ वगैरह खींचते हैं, जैसे ही ये लड़का इसको फ्लावर देगा वैसे ही हम इसकी फ़ोटो खींचेंगे। फिलहाल अभी इसके साथ यहाँ पर वॉक कर रहा है और इस वॉक करते हुए मैंने एक पिक्चर ले ली है। अब जब ये इसको गिफ्ट देगा और जब इनका काम चलेगा, जब हम लोगों को फ़ोटोज़ लेनी है। अभी फ़िलहाल मैंने एक फ़ोटो तो कलेक्ट कर ली है और सेकंड फ़ोटो हम यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। ये इसको फ्लावर दे रहा है, सेकंड फ़ोटो भी हमारी कैप्चर हो चुकी है फटाफट से। और अब लोग शायद ये लोग गली के अंदर जा रहे हैं भाई किसी, वहाँ जाके मुझे इनकी फ़ोटो लेनी है शायद से, ये लोग कुछ और करने वाले हैं। अभी फटाफट से मैं इनकी यहाँ पर पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, इसी चीज़ की पिक्चर चाहिए थी, मेन चीज़ यही थी भाई। हाँ, अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग जॉनी के पास, क्योंकि हमारी तीनों पिक्चर्स कलेक्ट हो चुकी हैं जो कि हमने असल में उसको एविडेंस के थ्रू प्रूफ करनी थी। तो अभी जल्दी से जल्दी चलते हैं जॉनी के पास। लेट्स गो भागकर ही चलते हैं, क्योंकि जॉनी की न्यू कोवेंट्री वाला ब्रिज करीब है, जिस ब्रिज के नीचे अक्सर जॉनी मौजूद रहता है और यहाँ पर सिगरेट वगैरह पीता रहता है। भाई साहब ये खड़ा हुआ इस ब्रिज के नीचे और फटाफट से इससे बात कर लेते हैं। इससे हमारी बात हो रही है भाई, हियर आर द पिक्चर जॉनी। ओके, आई जस्ट न्यू इट। तो जॉनी बोलता है भाई मुझे पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है और वो अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी। फाइनली हमारा ये वाला मिशन पास हो चुका है और गाइस अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। और फटाफट से भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए जो कि होने वाला है बेट। लेट्स गो गाइस। अब भी सीन ये है कि मेरी जॉनी से बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि भाई हम लोगों को गॉड को ट्रैप करके लाना है उसकी बताई हुई लोकेशन पर, लेकिन गॉड हमें मिलेगा अभी बुलवर टाउन। तो हम लोग जल्द से जल्द जाने वाले हैं बुलवर टाउन और वहां से गॉड को ट्रैप करके लाते हैं अपनी बताई हुई जॉनी की बताई हुई डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम लोग गॉड को छेड़ने वाले हैं ताकि वो हमारे पीछे आए हमें मारने के लिए और हमारा पीछा करते करते हमारे ट्रैप में फंस जाए। जहां पर हम उसे लेकर जाना चाहते हैं वहां पर ही वो हमारे पीछे आएगा। अब इसको करीब जाके भाई एक पंच बजा देते हैं और अब ये हमें जॉनी की बताई हुई डेस्टिनेशन पर हम इसको लेकर जाने वाले हैं। तो ये हमारा पीछा करेगा और
ये फंस जाएगा भाई जॉनी के जाल में और हम लोग फिर इसको वहां पर ले जाकर बहुत ही गंदा पीटने वाले हैं, क्योंकि ऐसा जॉनी का कहना है भाई। शायद से मैं गलत जा रहा हूँ, इस ब्रिज पर नहीं जाने से तुम स्कूल पहुंच जाएंगे। ओके मैप पे चेक कर लेते हैं। नहीं मैं शायद से गलत जा रहा था, मुझे एक दफा टर्न वापस लेना होगा और आगे से शायद से राइट। ओके आगे से हम लेंगे एक मस्त सा राइट और यहाँ से एक और राइट और हम लोग न्यू कोवेंट्री ब्रिज के नीचे पहुँचने वाले हैं। और ओके यहाँ पर भी नहीं है, वैसे जॉनी अक्सर यहीं पर ही होता है लेकिन इसने थोड़ा सा और आगे बुलाया है। ओके इसने यहाँ पर नहीं मिलाया, इसने इस वॉल के बिहाइंड पीछे एक रास्ता जा रहा है। यहाँ पर फटाफट से चलते हैं और यहाँ पर शायद से गैराज है। ओके यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह खड़े हुए हैं, शायद से यहाँ पर रेल का कोई काम चलता है। बाय द वे अब हम लोग जाने वाले हैं इस गैराज के अंदर और यहाँ पर फंसाएंगे गॉड को एक ट्रैप के अंदर। तो भाई जॉनी को फटाफट से यहाँ पर बुला लेते हैं। जॉनी जॉनी वेयर इज जॉनी, जॉनी मुझे दिख नहीं रहा है, ये लोग मुझे मार रहे हैं भाई। जॉनी कहाँ पर है? जॉनी शायद से इस गैराज के अंदर अंदर है, बस जगह तो नज़र नहीं आ रही। बाय द वे साइकिल थोड़ा सा पीछे कर लिए मैंने और अब मैं जॉनी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ओके अब जॉनी आएगा शायद से। ओके गाइज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टंट्स की जगह पर एंटर हो चुके हैं जहाँ पर साइकिल वगैरह का स्टंट होता है शायद से। और यहाँ पर इस गॉड लड़के को और इनके पार्टनर्स को हम लोग फंसा दिया है हम लोगों ने जॉनी के ट्रैप के अंदर। और अब जॉनी और हम मिलकर बजाने वाले हैं इन लोगों का बाजा। तो अब यहाँ पर इन लड़कों को हम लोग पीटने वाले हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता मैं साइकिल से इन लोगों को पीट पाऊंगा। मैं साइकिल से उतरना चाहता था पर बट में गिर गया, तो अच्छा हुआ। यहाँ पर मैं खड़ा खड़ा स्लिंग शॉट से भाई बजाऊंगा। शायद से इस फायर क्रैकर बॉटल नट क्रैकर से हम लोग बजा सकते हैं इनको अच्छे से। लेकिन गाइस मुझे लगता है इस बॉटल क्रैकर को इसके एमओ ज़ाया करूंगा। फिलहाल अभी मैंने हाथ में स्लिंग शॉट ले लिया है, एक मिनट इससे ही बजाते हैं गाइस। स्लिंग शॉट से बजाते हैं। ओके स्लिंग शॉट दूर तक जाएगा तो ईजिली हम लोग इनको मार पाएंगे। तो अब भी स्लिंग शॉट से मैं निशाना लगाते लगाते सारे बंदों को आउट कर रहा हूँ जो कि इसके साथी हैं गॉड के। और यहाँ पर जॉनी भी जो है वो साइकिल पर उसके साथ फाइटिंग कर रहा है भाई, खड़े होकर लड़ लेता है लेकिन साइकिल पर वो लोग फाइट कर रहे हैं। बट मैं एक अच्छी पोजीशन ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने इनके प्रैक्स को आउट कर दिया है। और अभी फिलहाल जॉनी ने मेरे थैंक यू किया है और अभी मुझे वो मेरा कैश देगा जिसके लिए भाई मैंने इसका काम किया था। और अब हमारा यहाँ पर मिशन पास हो चुका है और बाइक पार्क मीन्स ये जो लोकेशन है ये हमारे लिए अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग आके अपनी मस्ती साइकिल वगैरह चला सकते हैं, कुछ स्टंट्स वगैरह कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग साइकिल से बैठ के निकलने वाले हैं अपना नेक्स्ट टास्क करने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग। फिलहाल अभी यहाँ पर बीन कोला वगैरह पी लेते हैं, देख लेते हैं कोई नया सामान वगैरह हमें मिल जाता है यहाँ से, तो देख लेते हैं यहाँ पर। बाय द वे यहाँ पर कोई सामान नहीं मिलने वाला, आप छोड़ो जितना सामान था मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग रॉन्ग पार्ट ऑफ द टाउन टास्क करने वाले हैं, तो अभी जल्दी से चलते हैं यहाँ पर। लेट्स गो गाइस, अभी मैंने अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मेरी बात हुई है भाई रिच के ब्लूज से। अब मैं काम करने वाला हूँ भाई रिच के ब्लूज के लिए। तो अभी उन्होंने बोला है कि कोई हमें टैक्स वगैरह करने हैं, तो अब मैं अभी फटाफट से जाना होगा टैक्स वगैरह करने के लिए। लेकिन अभी उन्होंने मुझे पीछे कहीं बुलाया है शायद से कि उनके लड़कों को कोई शायद परेशान कर रहा है। ओके भाई साहब यहाँ पर जॉनी मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है। ओ सॉरी मेरे बच्चे नहीं, मेरे दोस्त गाइस। यहाँ पर उनके साथ शायद से गैरी भी मौजूद है। ओके यहाँ पर गैरी भी मौजूद है भाई इनके साथ। इससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है लेकिन इससे बाद में निपटेंगे, अभी तो हम लोग जॉनी से निपटेंगे क्योंकि हमारे दोस्तों को परेशान कर रहा है। हमने इसकी मदद की गॉड को पिटवाने में और हमें देखते भैया यहाँ से भाग गया। लेकिन इसके कुछ ग्रीजर बॉल किड्स भाई यहाँ पर बच चुके हैं। इनकी गैंग का नाम है ग्रीजर बॉल किड्स जो कि यहाँ पर ब्राउन कोट वगैरह में फिर रहे होते हैं। अभी फिलहाल इसके मैं बजाऊंगा एक लात और इसको मैं यहाँ पर लेटे लेटे ही मुक्के फेंटने वाला हूँ। ओके यहाँ पर इसको मार दिया मैंने और कॉर्नीलियस को मैंने यहाँ पर बचा लिया है। इस लड़के का नाम कॉर्नीलियस है। अभी दूसरे बंदे को भी यहाँ पर पीट दिया है और अब मैं लेके जाने वाला हूँ भाई साहब। ओके जॉनी ट्रेवल टू एल्गी इन न्यू कोवेंट्री। ओके गाइस अब इस कॉर्नीलियस ने मुझे बताया है कि एल्गी जो है वो न्यू कोवेंट्री गया था और वहाँ पर उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि गाइस जॉनी इसलिए मार रहा है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है भाई वो इन लोगों के साथ भी अक्सर रह चुकी है, इन लोगों के साथ भी ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह जा चुकी है। तो एल्गी को भी उसने निशाना बनाया है कि जो जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भाई कर रहा था
उसको मैं अब बहुत ही गंदी तरीके से कूटूंगा, लेकिन आखिरकार गाइस हमारे वो दोस्त हैं और हमें उनको बचाने के लिए जरूर जाना पड़ेगा और जॉनी को इसका हिसाब देना पड़ेगा बिकॉज उसने हमारे फ्रेंड्स को हाथ लगाया है। तो अभी फिलहाल जॉनी और उसके बंदे भाई पिटने वाले हैं, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन पर जहां पर भाई एलगी मौजूद है, और एलगी को यहां पर बताता हूं कि जॉनी और उसके बंदे तुम्हें पीटने आने वाले हैं। साथ ही साथ रिच किड ब्लूज ने मुझे टास्क दिया था, क्योंकि रिच किड ब्लूज का भी एक लड़का भाई यहां पर इस लड़की के साथ इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो यहां पर वो काला लड़का रिच किड ब्लूज का स्वेटर, एक्वावेरी स्वेटर पहना हुआ है उसने, भाई वो भी इन्वॉल्व है यहां पर। उसने भाई इस लड़की के लिए फादर के पैसे चुराए और चीज़ें वगैरह चुराई थी। बाय द वे ये अब लड़की यहाँ पर इसको बोल रही है कि मुझे ये चीज़ें ला के दो, ये चीज़ें ला के दो। ओके इसने बोला मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। ओके सम फ्रेंड यू टेल्स मी आर यू विस्टिंग आई एम रियली चीप जस्ट चीप। ओके ये अब लड़की कह रही है कि मुझे पैसे वगैरह ला के दो। बट गाइस इस लड़की ने पता नहीं कितने लड़कों को फंसाया हुआ, और अब ये दोनों लड़के जो है ये पिटने वाले हैं, ये रिच किड ब्लूज का भी बंदा और ये एलगी भी, भाई ये दोनों पिटने वाले हैं, क्योंकि जॉनी को खबर लग चुकी है और यही हम बात इनको बता रहे हैं कि जॉनी को खबर लग चुकी है कि तुम दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहे हो और उसको पार्टियां वगैरह करा रहे हो। तो अब जॉनी के बंदे यहां पर आने वाले हैं और अब एलगी को भाई बहुत डर लगने लगा है और इस लड़के को भी, क्योंकि जॉनी के बंदे यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग उस रिच किड बच्चे के साथ हम लोग यहां से निकल चुके हैं। उसका नाम यहां पर मेंशन नहीं करा गेम वालों ने, लेकिन उसके साथ हम लोग साइकिल पर बैठ के निकल चुके हैं और अब हम लोग ग्रीजर वॉल किड्स के स्लिंग शॉट बजाने वाले हैं। जो भी साइकिल पे भाई ये देखो साइकिल पे पीछे से आ रहे हैं और ये लोग हमें स्नोबॉल्स वगैरह और फायर क्रैकर वगैरह मार रहे हैं, जिनसे एचपी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो गाइस अभी मैं बहुत देर तक होल्ड करता करता इन लोगों को स्कूल के पास तक ले आया हूँ, अंटिल हम लोग स्कूल के अंदर भी घुसते जब तक इन लोगों को मुझे हैंडल कर रहा हो। ओके गाइस हम लोग अभी स्कूल के पास पहुंच चुके हैं और एलगी बस स्टॉप से ट्रैवल करते करते स्कूल तक पहुंच चुका था और अब हम लोग अर्नेस्ट के पास लेके आ चुके हैं। भाई साहब एलगी को हमारी रिच किड ब्लूज और अर्नेस्ट से दोनों से बात हुई थी, वो दोनों साथ ही खड़े हुए थे और हमने बोला था गाइस कि हम लोग ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग जिन लोगों को लीड करते हैं, जिनके लीडर हैं, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा मिशन पास हो चुका है और अब लोग चलते हैं हम लोग फटाफट से नेक्स्ट टास्क की तरफ, क्योंकि भाई टैगिंग कुक स्टेट और बीट किलर बहुत सारे टास्क होने वाले हैं। तो हम लोग कुक स्टेट पर शायद से जाने वाले हैं फटाफट से, हम लोग वो करीब है टास्क, तो फटाफट से हम लोग कुक स्टेट टास्क करने के लिए चलते हैं जो कि मिसेज एडना का होने वाला है, क्योंकि मिसेज एडना को मिस्टर केमिस्ट्री के प्रोफेसर के साथ भाई रेस्टोरेंट में खाना वगैरह करना था, डेट वगैरह करनी थी। भाई सब तूने मुझे बताया साइकिल दे मेरी, हम तुम लोगों को लीड करते हैं और तुम लोग हमें साइकिल नहीं देते, फटाफट से साइकिल दो यार। ओके गाइस इससे मैं भिड़ता नहीं हूँ और फटाफट से मैं जल्दी से चल लेता हूँ पैदल ही पैदल, बाद में मुझे बीम कोला वगैरह भी पीनी होगी। लेट्स गो गाइस। अभी सीन ये है कि मिसेस एडना ने मुझे बोला है कि मेरी डेट कुछ देर में स्टार्ट होने ही वाली है और केमिस्ट्री के प्रोफेसर जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ पर चढ़ने के लिए इसलिए गाइस उसने हमें बोला है क्योंकि मिसेज एडना चाहती है हम उसकी डेट की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि कुछ बच्चे भाई उसको यहाँ पर डेट ख़राब करने आएंगे, उसको तंग करने आएंगे, और इन दोनों की डेट ना ख़राब हुए हमें ये मेक श्योर करते हुए पेड़ से स्लिंग शॉट बजाने उन सारे बच्चों के जो के भाई यहाँ पर तंग करने आएंगे। तो अभी फटाफट से एम मोड में चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखो गाइस बच्चे आ रहे हैं तंग करने के लिए मिसेज एडना और प्रोफेसर को, तो यहाँ पर उनकी डेट ख़राब ना हो इससे पहले पहले हम लोगों को इन सारे बच्चों को यहाँ से भगाना होगा। तो फटाफट से हम लोग जल्दी से इन सबको स्लिंग शॉट बजाते हैं। कोई अंदर से निकल रहा है, कोई भाई इधर उधर से आ रहा है। अरे भाई बच्चे यहाँ पर इस टाइम कर क्या रहे हैं भाई, तुम लोग जाके सोना, ये सब हमारा काम है, बुलवर्ड टाउन में हम लोग आज़ादी से फिरेंगे, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। सबके स्लिंग शॉट बजाते हैं और ये यहाँ पर ये लोग केमिस्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं। लेट्स गो गाइस। अभी यहाँ पर मैंने सारे बच्चों को आउट कर दिया है और यहाँ पर भाई मिस्टर फिलिप्स को, मिसेस फिलिप्स नाम है जो भी है, प्रोफेसर केमिस्ट्री नाम है भाई, प्रोफेसर केमिस्ट्री बोल देंगे हम इसको, तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर को यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं। मिसेस एडना ने बोला कि मुझे तुम्हें आज बताती हूँ कि केमिस्ट्री के बारे में क्या पता है मुझे, तो इसको अभी ये लेकर चली गई है यहाँ से, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और हमारा मिशन गाइज यहाँ पर ही पास्ट होता है। गुड मॉर्निंग गाइज। सो सीन ये है, मैं रात को आके सो चुका था और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, यानी चीमी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जॉनी की हमने हेल्प की उसका बदला लेने में अगेंस्ट गॉड, गॉड को हमने बहुत
गंदे तरीके से पीटा और उसके साथियों को भी पीटा। लेकिन जॉनी ने भाई उन दो लड़कों को भी पीटा जो उस गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहे थे, यानी कि एल्गी और वो रिच किड ब्लूज का लड़का। तो रिच किड ब्लूज के हम लोग लीडर हैं और एल्गी वगैरह बाकी लोगों के भी हम लोग लीडर हैं। तो भाई जिन लोगों को हमने हराया उनके हम लीडर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे लीडर हो, आप ही हमारी मदद करोगे, आप ही हमें ग्रीस बॉल किट से बचाओगे। तो हमने फाइट की भाई ग्रीस बॉल किट से, लेकिन उन लोगों ने हमें ट्रैप में फंसाया और हमारा लिहाज भी नहीं किया। हालांकि हम लोगों ने उनकी मदद की थी, फिर भी उन लोगों ने हमारा लिहाज नहीं किया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।